आखिरकार कांग्रेस ने हरियाणा के 6 जिलों से अपने उम्मीदवारों की औपचारिक घोषणा कर दी है, लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट के मुताबिक फरीदाबाद से ललित नागर को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया है। देर रात फरीदाबाद अपने घर पहुंचने पर ललित नागर का समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। पत्रकारों से बात करते हुए ललित नागर ने दावा किया कि फरीदाबाद लोकसभा सीट से वो लाखों के मार्जिन से अपनी जीत दर्ज करेंगे। बड़े बड़े धुरंधर मेरे सारे सीनियर नेता हैं और ये हमारे हाईकमान पर निर्भर करता है कि उन्होंने नौजवानों को आगे बढ़ाने का सोचा हुआ है और एक नौजवान को टिकट देने का काम किया है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता पछाड़ना, ये तो पार्टी हाईकमान का फैसला है कि किसे टिकट दे। लेकिन सारे जितने भी मेरे वो बड़े नेता हैं, धुरंधर हैं, मैं उनको साथ लेकर चलने का काम करूंगा। वो हमारे मार्गदर्शक बनेंगे बिल्कुल, और उनके आशीर्वाद से ही हम ये चुनाव लड़ेंगे और उनके आशीर्वाद से हम चुनाव। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कांग्रेस ने किस किस उम्मीदवार पर दाव खेला है और किस नेता को कहां से टिकट दिया गया है। अशोक तंवर को सिरसा से मैदान में उतारा गया है, वहीं कुमारी शैलजा पर अंबाला से विश्वास जताया गया है। दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक से फिर चुनावी मैदान में उतारा गया है। कैप्टन अजय यादव को गुरुग्राम सीट संभालने के लिए दी गई है। ललित नागर फरीदाबाद से चुनाव लड़ेंगे। श्रुति चौधरी को भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर लड़वाया जाएगा।